वालेकुम बेटो, आज 6 सितंबर 2020 क्लास 10 सब्जेक्ट उर्दू और हम पढ़ते हैं कसीदा। कसीदा के बारे में हमने कल लिखा है नोट, कसीदा क्या है और इसके एजाइए व तरकीबी क्या है, ये किस किन किन जुज़ों से बनता है। तो आज हम कसीदा की इर्तिका के बारे में पढ़ेंगे, कसीदा की इर्तिका। तो बेटो आप ये नोट जो है, ये आधा जो है इसको कल के साथ पाइवस्त करना है, उसी के साथ लिखना है। कसीदा की इर्तिका। कसीदा गोई की तारीख बहुत पुरानी है, ये सिनफ ज़्यादातर दरबारों से वाबस्ता रही है। कसीदा गो शुरा ज़्यादातर हाकिमों की तारीफ इनाम व इकराम हासिल करने की गरज से करते थे। कसीदा की बुनियाद मुबालगा पर है। शुरू में कसीदा गोई का मकसद किसी के अवसर पे हमीदा को लोगों में इसलिए उजागर करना ताकि लोगों में उनकी तकलीद का जज्बा पैदा हो जाए और कौम में अच्छी सिफतें पैदा हो जाएंगे। उर्दू कसीदा गो में उर्दू कसीदा गोई में सौदा और उनके बाद जोक बुलंद मर्तबा शायर माने जाते हैं। इंशा मुसफी मोमिन वगैरह जलीलुल कदर कसीदा गो गुजरे हैं। बेटो इस नोट को आप ये आधा है उसको कल के साथ लिखो और याद करो। इसके बाद हम कल इंशाल्लाह मिर्ज़ा मोहम्मद रफीक सौदा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आगे चलकर कसीदा शायर आशूब पढ़ना है। ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफीक सौदा का लिखा हुआ कसीदा है और कल हम इंशाल्लाह सौदा के हालात ज़िंदगी पर पढ़ेंगे और अगर टाइम मिला तो अदबी खदमात भी पढ़ेंगे। शुक्रिया।